Hello friends, welcome to Educator Dr. Vinash. Today we are going to discuss chapter 1st of class 6th NCERT of geography, which is the earth in the solar system. Today we are going to start a geography series particularly for IAS examination. इसमें we are going to discuss everything about geography. हम लोग NCERT सारे discuss करेंगे और जिसमें आज हम first chapter discuss करने वाले हैं class 6 का. So without wasting our time, just let get into it. जो हमारे topics रहेंगे वो mainly रहेगा what is meaning of geography in general. What happen is, although these are some basic terms, but still जब हम लोग बहुत high level की education भी ले लेते हैं, even after that हम लोग कुछ basic चीजें हैं जो हम cover करना भूल जाते हैं या हम उसे answer नहीं कर पाते हैं. So that's why it is always advised कि आप class 6 से start कीजिए. इसमें हम लोग जो basics है वो देखेंगे, जैसे कि geography उसका meaning क्या है. Then we will go for celestial bodies, कि कौन से celestial bodies होती हैं, जिसमें हम stars जो है उनकी बात करेंगे, उनकी constellations की बात करेंगे, constellations क्या होता है. And then we will discuss solar system, solar system में क्या क्या आता है. For instance planets आते हैं, sun, asteroid, meteorites. All of these things are going to be discussed in this only chapter. Then we will discuss moon galaxy. For example, जो अर्थ है वो किस galaxy में है, satellites क्या होती है. And the main focus is just to get a glimpse over the thing like कि solar system क्या होता है, earth क्या है. So now we have overview like what we are going to discuss in this video. So just switch to our PPT so that we can better get to know all of these things. So first of all, what is meaning of geography? Whenever it comes about geography or geo, sometimes not geo, it's geo. Geo is regarded as earth. जो भी earth से related चीजें होती हैं, उसमें particularly starting में geo जो है वो use किया जाता है word. जैसे हमें पता है जो अर्थ की शेप है उसे क्या बोलते हैं, ज्वाइड. जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड, वाइड मतलब ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो इसलिए रखा गया था सो दैट कि कुछ डिफरेंशिएट करे, अदरवाइज अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में रहता है, बट वो स्फेरिकल जो शेप है वो पर्टिकुलरली स्फेरिकल नहीं है. अब इस वजह से ताकि अर्थ का कुछ यूनिक फीचर जो है वो यूनिकनेस दिखाई जा सके, इसलिए ये वर्ड जो हम बोल सकते हैं फ्रेम किया गया था, जिसे हम बोलते हैं रिजेम्बलिंग द शेप ऑफ अर्थ. ज्योमेट्री जो कि हम लोग मैथ्स में देखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मेनली जो ज्योमेट्री का मीनिंग है वो अर्थ की मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. जियोलॉजी दैट मीन स्टडी ऑफ अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, तो जियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ अर्थ. ज्योग्राफी मीन्स जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स राइट. सो ज्योग्राफी इज पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मतलब अर्थ इज गोइंग टू बी, उसमें जो जो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन ज्योग्राफी. Then come celestial bodies. Celestial bodies are those objects like which have their light or which may not have their light. But जो भी हम लोग night में जो sky में चीजें देखते हैं, these all are categorized under celestial bodies. Celestial bodies में यहाँ पे example दिया जाता है, for instance sun, moon, ये जो भी चीजें हैं जैसे stars वगैरह, वो सारी चीजें किसमें आ जाती है, celestial bodies में. अब कुछ ऐसे ही celestial bodies होगी जिनकी अपनी light होगी, कुछ ऐसी होगी जिनकी नहीं होगी, वो क्या है हम आगे देखते हैं. For instance यहाँ पे सबसे पहले हम stars discuss करते हैं. Stars क्या होते हैं, ऐसे celestial bodies जिनकी अपनी light होती है और अपनी heat होती है. अब हमें पता है जो sun है, sun भी एक star है. क्यों स्टार है, क्योंकि उसकी अपनी हीट है और उसकी अपनी लाइट है. अब हमें पता है जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो जो सन की लाइट है उसे रिफ्लेक्ट करता है. तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सेलेस्टियल बॉडीज में वो बॉडीज भी आती हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, वो भी आती है जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है. जो स्टार्स हैं उनकी अपनी हीट है और लाइट है, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो वो हीट और लाइट को एमर्ज कर रहा है,
वो क्या है, गैसेस। वो गैसेस के कारण ही वो हीट अप होता है, और हीट अप होते होते उनमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अगर हम स्टार्स की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, हमें पता है कि ऐसा नहीं था कि जैसे हम बोले ना हमारे पास फोन है तो हम फोन में देख लेते हैं कि हाँ कौन सी डायरेक्शन कौन सी है, बट पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो उस केस में वो लोग क्या करते थे, जो कॉन्स्टिलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली चेकआउट करते थे कि हाँ कौन सी डायरेक्ट, फॉर इंस्टेंस जो पोलर स्टार है वो उन्हें बताता था कि अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन है। जो कॉन्स्टिलेशन मेनली क्या होता है, जो अरेंजमेंट है स्टार्स का, कि स्टार्स किस तरह अरेंज्ड है उसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। मे भी यहाँ लिखा होगा, दीज स्टार्स मेक वेरियस पैटर्न्स, जो पैटर्न्स है उसे कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। जैसे सप्तऋषि, सप्त मतलब सेवन, तो सेवन स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे बोल देते हैं सप्तऋषि। मेनली एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी इन चीजों को डिस्कस किया जाता है, और अदरवाइज इनके और भी बहुत सारी चीजें थी जिनसे कि जो पुराने लोग थे उन्हें पता चलता था, तो इवन आज भी इनका जो इम्पोर्टेंस है वो प्रिवेलेंट है। तो ये होगी स्टार्स की बात। देन कम्स प्लैनेट। प्लैनेट्स क्या होते हैं, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो कि अपनी, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है और अपनी हीट नहीं होती है। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है उसकी अपनी हीट नहीं है, अपनी लाइट नहीं है। जो सन की हीट और लाइट है उससे हम हीट अप होते हैं। तो ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट है, बट इसकी अपनी हीट और लाइट नहीं है। देन कम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, सोलर मीन सन, तो जो सन के अराउंड सिस्टम है उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। सन और जो 8 प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स वगैरह है वो सब मिलके क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम। अब देखिए ये जो सन है, प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में एस्ट्रॉइड्स और मिट्रॉइड्स भी रहते हैं। ये क्या है हम आगे डिस्कशन में देखने वाले हैं, और ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, सोलर सिस्टम। देन जगह अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में। जो सन है उसकी अपनी पुलिंग फोर्स है जिसके कारण पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर देखिए हमें पता है ना सन के अराउंड बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इन केस जो सन है उसमें पुलिंग फोर्स ही नहीं है, तो उस पुलिंग फोर्स के ना होने के कारण जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास रिवॉल्व नहीं करेंगे। तो सन जो है वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जितने भी सोलर सिस्टम में बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो बाइंड होके रह सकती हैं। जो सन है मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी अपनी हीट भी है, अपनी लाइट भी है, और हीट और लाइट किस वजह से है, गैसेस की वजह से है। तो इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ये अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर सोलर सिस्टम। मैंने आपको बताया अर्थ भी जो है उसको भी लाइट और एनर्जी कहां से मिल रही है, सन से। देन कम प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स की बात होती है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब इसे ऐसा बोल दिया जाता था, माई बैरी इमोशनल मदर जस्ट सर्व अर्थ 9। पहले यहाँ पिज़ास बोल देते थे, पिज़ा मतलब प्लूटो, बट देन इट वाज रिकॉग्नाइज कि वो प्लैनेट नहीं है, उसे ड्वार्फ बोल दिया जाता है। तो ये क्यों है, इसका रीजन आपको सर्च करना है। इवन जब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जो हमारा टारगेट 2022 है उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है कि हमें कैसे यूपीएससी 2022 को टारगेट करना है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस किया था। मैंने उसमें भी उन्होंने असाइनमेंट दिया था कि क्या रीजन है जो ये प्लूटो है उसे अब प्लैनेट नहीं गिना जाता है। उसका जो भी आंसर है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सो देट इससे आपको भी नॉलेज मिलेगा, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा समझने के लिए, और जो आपकी लर्निंग है वो भी एनहांस होगी। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड घूमते हैं इन फिक्स्ड पाथ, और जो ये फिक्स्ड पाथ है इसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। उसके बाद देखिए एक और चीज यहाँ याद रखने की है कि ये जो वीनस है इसे अर्थ का ट्वीन कहा जाता है, मतलब जो वीनस है और अर्थ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी मिलती जुलती है। उसका रीजन आप भी देख सकते हैं, जो वीनस और अर्थ है ये वैसे भी सिमिट्री में इकट्ठे आ रहे हैं, एंड देन ऐसा बोला जाता है कि इनका साइज और शेप काफी हद तक सेम है। इसलिए आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीनस कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ जैसा है, अर्थ का ट्विन है, दैट इज वीनस। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है उसका शेप, जैसे मैंने पहले बताया, जियोइड उसे बोलते हैं ताकि उसको कुछ सेग्रीगेट किया जा सके बाकी चीजों से। जो अर्थ का शेप है उसे जियोइड बोलते हैं। वो स्लाइटली जो पोल्स है वहां से फ्लैटेंड है,
आपको पता है ना, ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये ग्लोब है, यहाँ पे ये फ्लैटेंड है इस तरह से, ये जो, और ये स्फेरिकल शेप में है जिसमें सेंटर में बल्जिंग है। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट क्यों हमें पता है, जो अर्थ का सर्फेस है उसमें 2/3 ऑफ जो सर्फेस है वो कवर होता है बाय वॉटर। इट इज डिफरेंट थिंग कि फिर भी ऐसा बोला जाता है वाटर स्केसिटी बहुत है, और जेन्युइनली इट एग्जिस्ट, और ऐसा भी एस्टिमेट है कि काफी जल्दी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन होगी जिन्हें की वाटर नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि ये जो वाटर है ये सेलाइन वाटर मैक्सिमम है, जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम रहता है, इस वजह से वाटर स्केसिटी है। देन कम मून। अगर हम मून की बात करें तो अर्थ की सैटेलाइट है मून। सैटेलाइट हमें पता है, हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, नॉर्मल डिस्कशंस पे भी वी गेट टू नो कि जो सैटेलाइट होती है वो रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ के अराउंड करना है तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ऐसे ही अर्थ के अराउंड जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सैटेलाइट ह्यूमन मेड होती है, जो हम लोग यूनिवर्स में सेंड करते हैं डिफरेंट जो भी चीजें हैं उसे नोटिफाई करने के लिए। बट अदरवाइज जो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की है वो कौन सी है, मून, जो कि अर्थ के अराउंड घूमती है, और उसका एक जो रेवोल्यूशन है वो कितनी देर में कवर होता है, 27 डेज, जिसका एक स्पिन है। दैट इज द रीजन वाई ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल। हमें पता है अमावस्या, पूर्णमासी, ये सारी चीजें होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दैट रेवोल्यूशन। मून हैज माउंटेन्स, प्लेन्स। आपको पता है मून के ऊपर बहुत सारे मिशंस भी, मतलब मिशन इन द सेंस बहुत सारे एक्सपेडिशंस भी हुए हैं, जिसमें कि दे गेट टू नो कि मून का शेप क्या है, वहां पे किस तरह से सारी चीजें वर्क करती हैं। तो मून हैज माउंटेन, प्लेन्स, डिप्रेशन ऑन इट्स सर्फेस। अब देखिए ये सारी चीजें इन्होंने कैसे पता की थी, सैटेलाइट भेज के। तो भाई मैंने बोला ना कि जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है वो डिफरेंट होती है, और जो नेचुरल सैटेलाइट्स है उसका एक एक बेस्ट एग्जांपल है मून, जो कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ये तो हमने अर्थ और मून के बारे में डिस्कस कर लिया। तो और चीजें जो सोलर सिस्टम में आती है उसमें हमने देखा था एस्ट्रॉइड के बारे में। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर टाइनी बॉडीज जो कि मूव करती है अराउंड सन। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास किस अरेंजमेंट में है, मरकरी, वीनस करके। तो जो मार्स और जुपिटर के बीच में है एरिया, उसमें ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। अब देखिए जो ये हमारा सोलर सिस्टम है या जो ये यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज आज भी प्रेजेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी नॉलेज लेना बाकी है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या बहुत सारी थ्योरीज वगैरह आती रहती हैं। तो मेनली जो ये पूरी इंफॉर्मेशन से निकला था वो ये पता चला था कि जो बहुत साल पहले क्या हुआ था, जो भी प्लैनेट थे, आज तो हमें सिर्फ इतने प्लैनेट्स पता है, 8 प्लैनेट्स, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स सब भी हैं जो डिस्कवर होने हैं। तो जो प्लैनेट्स थे उनमें से कोई प्लैनेट ऐसा था जो एक्सप्लॉइट हुआ, क्योंकि हर चीज की एक, हम बोलते हैं ना, एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो चीज रह सकती है। तो वो टाइम पीरियड जब खत्म हुआ होगा या जो भी एक थ्योरी बनी होगी जिसके अकॉर्डिंगली कि चाहे वो एक्सप्लॉइट हुआ, चाहे वो किसी से आपस में टकराए, जो भी रीजन हो, उस वजह से जब एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ, तो उस केस में जो उसके पार्टिकल्स थे या टाइनी बॉडीज थी वो रह गई यूनिवर्स में और वो एस्ट्रॉइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। देन कम मीटराइट्स। जो मीटराइट्स की अगर हम बात करें, दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड सन। जो सन के अराउंड स्मॉल जो पीसेस ऑफ रॉक्स है, जो रॉक्स मूव करती हैं, वो मीटराइट्स है। ये जब अर्थ के, अब देखिए वो सन के अराउंड घूम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ऐसा हो जाए कि जो सन है उसकी बाइंडिंग फोर्स इतनी अच्छी ना रहे कि वो जो ये मीटराइट्स अपने साथ उन्हें बाइंड करके रख सके और उसके एरिया से बाहर आ जाए मीटराइट्स और अर्थ के जो एटमोसफेयर है उसमें आ जाते हैं। अब उस केस में क्या होता है कि ये जो अर्थ पे है वो ड्रॉप हो जाते हैं और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एयर में फ्रिक्शन होती है उन बॉडीज के साथ और हम लोग मतलब तो फायर या हीट अप होके वो बर्न हो जाते हैं। तो वो जैसे वो टीवीज में दिखाते हैं ना टूटता तारा टाइप्स, तो वो ही मीटराइड्स होते हैं। वो टूटता तारा कुछ नहीं होता, वो जो रॉक्स है, रॉक के जो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स है, वो जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आते हैं तो उस केस में वो बर्न अप हो जाते हैं और क्योंकि एक्स्ट्रा स्पीड होती है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, और वो बर्न अप होके हमें दूसरे ऐसा लगता है जैसे वो तारा टूट रहा है।
और ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं इनके ऊपर काफी रिसर्च होती है जब वो अर्थ के सिस्टम में आता है. फॉर एग्जाम्पल अभी भी एक रिसर्च निकल के आई थी जिसमें पता चलता है कि जो ये रॉक सिस्टम है उसका अर्थ का इंटीरियर जो है लेआउट उससे काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस मिलता है. तो ये सारी चीजें ये मेट्रॉइड्स काफी हेल्प करते हैं यूनिवर्स को चेक यूनिवर्स को एक्सप्लोइट करने के लिए उसे उसके बारे में जानने के लिए. दिस कॉज फ्लैश ऑफ लाइट जो कि मैंने आपको बता दिया. देन कम गैलेक्सी. हमने देख लिया एक ही सोलर सिस्टम क्या होता है. अब देखिए जो गैलेक्सी है अब हो क्या रहा है. मैंने आपको कैसे बताया कि 8 प्लैनेट्स हमें पता है बट और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें नहीं पता. तो वैसे एक सोलर सिस्टम है जो हमें पता है और बहुत सारे ऐसे और सिस्टम्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है. अब इतनी ज्यादा जैसे हम बोले ना बहुत कम इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हमें उन्हें कैटेगराइज करना है तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं. वैसे ये गैलेक्सी का एक टर्म है जो यूज किया जाता है. गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. जैसे कि हमारा जो मैंने आपको बताया ना जैसे एक सोलर सिस्टम है वैसे मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं. वैसे ही बहुत सारे और स्टार्स होंगे बहुत सारे और सिस्टम्स एग्जिस्ट करते होंगे तो उन्हें हमने कैटेगराइज किया हुआ है. हमें इंफॉर्मेशन नहीं है बट हमने स्टिल उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है तो वो जो कैटेगराइजेशन है उसे गैलेक्सी बोलते हैं जिसमें कि हमने बहुत सारे एक ग्रुप बना लिया बहुत सारों का एक ग्रुप बना दिया. तो जो हमारी अर्थ की गैलेक्सी है वो कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी. जो यूनिवर्स है उसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सीज है. सोलर सिस्टम तो मल्टीपल सोलर सिस्टम या क्लाउड्स ये सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी जिसमें मिलियन ऑफ स्टार्स वगैरह सब चीज होगी गैलेक्सी बना दी. ऐसे ही मल्टीपल गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं जिसमें एक गैलेक्सी दो गैलेक्सी तीन गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सीज हों. ठीक है तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. देन यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन मैंने लिखा था जैसे कि जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. आप एक काम कीजिएगा मैंने यहाँ पे तो एड ऑन नहीं किया है बट यू कैन डू वन थिंग कि आप एक बार जो पिक्चर है जो सिक्स क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा उसे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो ये है ये जो प्लैनेट्स हैं इनके अराउंड रिंग्स हैं जो कि बेल्ट दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस. डेब्रिस मतलब जो पहले कोई एक्सप्लोइटेशन हुआ था तो उसकी जो डेब्रिस रह गई है वो बेल्ट बना रही है जो कि एक रिंग की फॉर्म में इनके आसपास रहता है. लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. दीज आर सम रैंडम स्टफ जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है बिकॉज ऑल्दो इट मे नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट बट स्टिल इट्स गुड टू हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन तो इसलिए आई हैड एडेड दिस थिंग. स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून लीड आर्मस्ट्रांग. ऑल्दो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा स्टिल आई हैड एडेड दैट. देन एट द एंड इज सैटेलाइट. हमने पहले देख लिया नेचुरल सैटेलाइट वैसे ही कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी हम यूनिवर्स में डाल मतलब लॉन्च करते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स इन सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन. हमने पता है जो सन है सोलर सिस्टम में उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं तो उसी तरह जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वैसे ही जिसके लिए सपोज हमने मून के लिए भेजनी है अपनी सैटेलाइट तो मून के अराउंड जो सैटेलाइट है वो हम इस तरह से लॉन्च करेंगे मून के अराउंड वो रिवॉल्व करे. तो ये होता है सैटेलाइट का काम. तो इसके साथ हमारा जो आज का डिस्कशन है इस चैप्टर का वो खत्म होता है. हमने देख लिया अब हम एक बार लास्ट में फिर से चेकआउट करते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में बोला था वो चीजें हमने अपने डिस्कशन में इंक्लूड की है या नहीं की है. तो पहले आप देख लीजिए स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले देखा ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? स्टार्स प्लैनेट सोलर सिस्टम अर्थ मून. सोलर सिस्टम में जो भी मेट्रॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं गैलेक्सी एंड देन सैटेलाइट्स ये क्या होती है हमने अपनी इस चैप्टर के डिस्कशन में देखा. होप ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड वो आपको क्लियर होगी बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. और अगर आपको लगे एक ही आपको कुछ फिर भी आपका डाउट आपको लग रहा है कि नहीं रिजोल्व हो रहा है यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी एट दिस ईमेल आईडी जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है. यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और भी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है आई हैड गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन या अदर नॉलेज है वो भी मिलेगी. So thank you. Thanks for listening. Have a nice day.